Į sveikatą. Do you know how we say in India? No, no. We say burra. पता नहीं क्यों मिल्दा मुझे लेके आई है एक रशियन शॉप में. Is this your flag? Yeah, Lithuania. तो एक स्पेशल जगह जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई है, एक बोल्ट टैक्सी बुलाई है और आई है हमारे को लेने एक मर्सिडीज़, काले रंग की शानदार मर्सिडीज़. लेकिन बारिश हो रही है, नहीं तो हम पैदल भी चले जाते. Hola. तो टैक्सी लेके आए तो थे हम यहाँ पे कि लाइब्रेरी है, बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है. क्या है इस लाइब्रेरी में, कहा इसके अंदर घुस के बताऊँगा. लेकिन ये जो आपको छतरी लिए लोग देख रहे हैं, ये सब वेट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में एंटर करने के लिए, क्योंकि ये है बहुत स्पेशल लाइब्रेरी. लेकिन हमारे पास छतरी भी नहीं है और इतना वेट करने की हिम्मत भी नहीं है. तो दोबारा से प्लान करूँगा इस लाइब्रेरी में आने का. लेकिन अभी कुछ और जगह देखने चलते हैं. ये देख लो, दुनिया भर के लोग वेट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में एंटर करने के लिए. तो उस लाइब्रेरी में क्या खास है वो तो हम बाद में बताऊंगा आपको मैं. लेकिन अभी हम एक पोर्टो की एक बहुत अलग खासियत है कि पोर्टो की वाइन बहुत फेमस होती है, और बिकती भी पोर्टो वाइन के नाम से है. तो अभी हम एक बार में आए हैं जिसमें हम ट्राई करने वाले हैं कुछ पोर्टो वाइन. ये है यहाँ का मेन्यू. इट वॉज हर विश टू कम टू ट्राई पोर्टो वाइन. If you come to Porto, you have to try Porto wine. Yeah, yeah? Very excited. Yeah. Let's see. तो यहाँ हमने वाइन ऑर्डर की है. मैंने ऑर्डर किया है वाइट वाइन यानी ब्रांको वाइन. मिल्दा, which wine did you order? Red one, of course. My favorite. You always prefer red wine over white one. Yeah, yeah. And I always prefer white wine over red wine. That's how different we are. But still we are traveling together. Yeah. That's fun part. Yeah. बाकी बात करें इस रेस्टोरेंट की या इस बार की, तो काफ़ी खूबसूरत ये बार बना हुआ है. यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लाइट्स वगैरह लगा के सजाया हुआ है. बाकी इसका ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे इसकी रिसेप्शन बनी हुई है वो भी काफ़ी सुंदर है. आपको जाते हुए दिखा दूँगा. Cheers. Cheers or Į sveikatą. Į sveikatą. Į sveikatą. That's how you say in Lithuanian. Yeah. Į sveikatą. Į sveikatą. Į sveikatą. Do you know how we say in India? No, no. We say burra. Oh no, we say cheers. Cheers? Cheers. Only cheers. Just cheers. We use English word. Mm. It's too sweet. It is too sweet, but still good. Yeah. एक्चुअली पोर्ट वाइन जो ये होती है ये काफ़ी स्वीट का काउंट होती है. और आई थिंक दे यूज इट अलॉट फॉर एज अ डेजर्ट लाइक आफ्टर मील. इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट यू ड्रिंक टू गेट ड्रंक. या या बट वी आर ड्रिंकिंग जस्ट फॉर द टेस्ट. लेट्स सी हाउ इट गोस. बाकी बात करें प्राइस की तो दोनों का प्राइस है 5-5 यूरो. महंगी है. 400 रुपये का एक गिलास भी नहीं है, छोटा सा कप है. पता नहीं क्यों मिल्दा मुझे लेके आई है एक रशियन शॉप में. इज दिस योर फ्लैग? या लिथुआनिया. इट्स नॉट रशियन शॉप, इट इज द यूरोप. ईस्टर्न यूरोप शॉप. व्हाट डू यू वांट टू बाय फ्रॉम हियर? एवरीथिंग. सब कुछ खरीदेंगे. देखते हैं रशियन शॉप के अंदर हमारे को क्या मिलता है. रशियन यहाँ पे भाई दुनिया भर की रशियन वॉडका रखी हुई है. But it's super expensive in Russia. It's super cheap, 14.8. It's not that expensive, I'll say. Yeah. ये रशियन स्पीच वॉडका होगी और काफ़ी टाइप की बियर्स रखी हुई हैं. ये भी सारी रशियन या फिर पोलैंड इस टाइप की बियर है. और बाकी अलग अलग ड्रिंक्स, पिकल हो गए, भांति भांति के पिकल. और ये ऊपर अगर देखोगे तो डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स लगे हुए हैं. ये सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के फ्लैग हैं और साथ में पोर्टुगल का फ्लैग है. इधर हमारा रशिया का भी फ्लैग हो गया. यूक्रेन का फ्लैग नहीं लगा रखा भाई, पता नहीं क्यों. बाकी काफ़ी टाइप के अचार हो गए और भी यार इतने अलग अलग टाइप के स्टोर हो गए. अभी तक के काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको एशियन स्टोर दिखाए थे, इंडियन स्टोर दिखाए थे, चाइनीज़ स्टोर दिखाए थे. लेकिन पहली बार ईस्ट यूरोपियन स्टोर या फिर रशियन स्टोर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ आने का मौका मिला. व्हाट डिड यू फाइंड? केफिर. I don't know in English. Buttermilk. Yeah, for pink soup. Lithuanian soup. That's cool. So सो एक पिंक सूप होता है लिथुआनिया की काफ़ी फेमस चीज़ होती है, वो इसको बनाना है और उसको बनाने के लिए चाहिए थी एक बटर मिल्क। मेरे ख्याल से जो हम छाछ पीते हैं ना, जो नमकीन लस्सी होती है, वो चाहिए थी इसको, और कोई स्पेशल टाइप की होती है। तो उसके लिए ये यहाँ पे लेके आई है मुझे कि इसको वो ख़रीदना है, फिर पिंक सूप बनाएगी। यहाँ पे नहीं, जब हम वापस अपने वर्कअवे पे जाएंगे वहाँ जाके बनाएगी। यहाँ देख लो कुछ सामान देख रहा था और ये कुछ आइटम मिली है। ये है उज़्बेकिस्तान की, फ्राम उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कोई रशिया से होगी, कोई पोलैंड से होगी, कोई यूक्रेन से होगी, कोई लिथुआनिया से होगी। ये क्या है? ये देखो कुछ गेहूँ जैसी आइटम लग रही है। देख लो भाई ये माहौल है, अपने को इंटरेस्ट करता है भाई। ये दारू वाला आया सेक्शन, यहाँ पे रशियन वॉडका देख के भाई मन सा कर गया कि भाई रशियन वॉडका, कोजाक वॉडका, आई थिंक ये कजाकिस्तान वाली वॉडका है। बाकी डिफरेंट टाइप की बियर, सोच रहा हूँ कोई छोटी मोटी बॉटल उठाई जाए वॉडका की। यहाँ पे छोटी बॉटल में भी रखी हुई है, 3.5 यूरो की, ये छोटी सी है। और एक ये है नेमिरोव वॉडका, एक ये आई थिंक विस्की लग रही है मुझे, 3 यूरो का पौआ। The best. How do you call it? Suralis. Suralis. Is it sweet? Yeah, it's made from milk, some chocolate, but it's very very good. Is it Lithuanian? Lithuanian. Lithuanian, Lithuanian. Wow, very much Lithuanian. Yeah. 3 months after I'm gonna eat it. Oh my God, I'm super excited. Yeah. Are you more excited for this thing, for pink soup or this? No, this thing. Wow. Yeah. And do you know if this is Russian vodka? This is Nemirov. I don't think so. I want to buy a small Russian vodka. Let me check. Check it. I'm professional at this. You're professional Russian vodka drinker. I wouldn't say that, but maybe. Let's Yeah, I think there are very few things from Russia, mostly Polish or... Yeah. What is that? More wine? More wine. Cheers. Cheers. Į sveikatą. Į sveikatą. You remember? Wow. See, I remember. It's good. Yeah. It's like sparkling wine. 3 euros for the bottle. Very good. And 5 euros for the half cup. Yeah, a little difference. और ये सस्ते वाली है, 3 यूरो की पूरी bottle. I think it was not even 3 euros, but less than 3 euros. Yeah, very good decision. तो पोर्टो वाइन पीने के बाद और उसके बाद ईस्ट यूरोपियन और रशियन शॉप में जाने के बाद वापस पहुंचे थे हम अपने अपार्टमेंट पे। और इस अपार्टमेंट का टूर मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो वो भी देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये अपार्टमेंट कैसा कैसा था और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, कितने में हमारे को मिला हुआ था और क्या कुछ जानकारी है मेरे दोस्त के बारे में। बाकी अभी हम देख रहे थे यहाँ पे एक मूवी और साथ में हमारा प्लान है कि चलो भूख भी लग रही है क्योंकि बाहर अभी भी बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है। नहीं तो हमारा ये प्लान था कि हम बाहर जाएंगे, थोड़ी यहाँ की नाइट लाइफ वगैरह देखेंगे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि हम बाहर तो जा नहीं पाएंगे। तो अभी बस प्लान यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहीं पर चिल करते हैं और कुछ डिनर बनाते हैं। डिनर में हमारा प्लान है आज कुछ बर्गर बनाने का, बर्गर चिकन बर्गर बनाने का। उसके लिए सामान सौदा हम मार्केट से ले आए थे, तो अभी बर्गर बनाते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, मूवी शूवी देखते हैं। और उसके बाद कल हमारा प्लान है, जो जगह आज हमने देखनी थी, जो लाइब्रेरी आपको दिखानी थी, वो आज तो नहीं देख पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगी, देखते हैं, कोशिश पूरी है क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल लाइब्रेरी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि कल बारिश ना हो और हमारे को थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि हम वो लाइब्रेरी मैं भी देख पाऊँ, आपको भी दिखा पाएँ। तो डिनर में आज तैयारी चल रही है बनाने की बर्गर, और ये हम चिकन लेके आए थे। चिकन कोई टिक्की टाइप से है जो हम बर्गर में डालने वाले हैं, इसको ज़रा मैं फ्राई कर रहा हूँ और इधर हमारी तैयारी हो रही है। व्हाट आर वी कुकिंग? बर्गर्स। एंड डिड यू पुट ब्रेड बन इन द? ओके दैट्स नाइस। एंड वी हैव अनियंस, वी हैव टमाटोज, वी हैव सम चीज़, और साथ में हम लेके आए थे कुछ सालसा सॉस। And we'll mix them together and make burger. यहाँ कुछ प्याज फ्राई किए जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे बर्गर तैयार हो रहे हैं। बस बर्गर is getting ready, guys. by Milda. Milda's special burger.